कैसा स्वाद है अंकल लस्सी का? बहुत बढ़िया आएगा। चालीस साल से तो हम पी रहे हैं। 30-40 साल से कुछ स्वाद में कुछ बदलाव? 30-40 साल से वही स्वाद है, वही मजा है, वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं। जब जब बनाने वाले छोटे छोटे थे तो ट्राई बनाया था, उसको पी रहे हैं। अच्छा, बनाने वाले बड़े हो गए, मैं स्वाद सेम वही रहा है। हम लोगों को हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल जब हम यहाँ पढ़ने आते थे एनसी वैदिक में, जब इसे कंटिन्यू पी रहे हैं। और काफ़ी फेमस लस्सी है, बढ़िया स्वाद है। स्वादिष्ट लस्सी है जो कि आगरा में हमें कहीं और नहीं मिलती। वास्तव में बड़ी दूर से आते हैं हम लोग पीने के लिए। शमसाबाद से आए हुए? शमसाबाद से आए हुआ। क्या बात है। और कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? शमसाबाद हो गया करीब करीब 17 और 5 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर दूर से लस्सी पीने आए हैं। और कुल्लड़ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है यहाँ का है। गाइस, मैं आया हूँ आज रघुवीर हलवाई पे, जो फेमस है अपने लस्सी के लिए। चाचा जी नमस्कार। मैं हो गया हमारे पिताजी के टाइम से। पिताजी के समय से लगभग कितना समय हो गया? हो गया पिताजी 70-80 साल से। 80 साल पिताजी के बाद हमें। तो उस समय से लस्सी चल रही है आपकी? शुरू से ही लस्सी चल। अच्छा, उस समय क्या रेट का कुछ अंदाजा है आपको? उस समय ये रेट होगा पिताजी के टाइम में 60 पैसे का। 60 पैसे? 60 पैसे की लस्सी। उससे 2 रुपये, फिर 2.5 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 7 रुपये, फिर 8 रुपये। गर्मी में लस्सी रहती है। लस्सी और दही मिठाई। और मिठाई कौन सी? कलाकंद वगैरह पेड़े। कलाकंद और पेड़े? एक पेड़े ख़त्म हो चुके हैं और ये कलाकंद है। केवल दो तीन आइटम रहते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो चलिए लगवाते हैं एक लस्सी। तो अंकल जी, एक लस्सी का कुल्लड़ लगा दो हमारा। तो कितने कितने रुपए की रेट रहती है लस्सियों की? 35 रुपये। तो भाई ये दही आ गया और चीनी आ चुकी है ये। और टाइमिंग क्या रहती है अंकल जी? सुबह 7:30 बजे से रात को 10 बजे। भाई ये देखिए, यम्मी यम्मी लस्सी बन रही है हमारी। और ये आ गई बर्फ़ और ये आता है इसमें ऊपर से दूध। देखिए कुल्लड़ भी इनका। कितने इसमें कितनी लीटर दूध लस्सी आ जाती है अंकल जी? 450 ग्राम। सब्जी महंगी होती है तो बोल कम हो जाए तो ये भी कम हो जाए। ये आ चुकी हमारी लस्सी और ये आगे ऊपर से मिलाई। क्या बात है। और ये क्या? गुलाब जल। ये गाइस, ये आ चुकी है रघुवीर हलवाई की लस्सी। और भाई साहब ये देखो आप, कुल्लड़ 450 ग्राम का है और कितना यूज़ है। शायद वीडियो में नहीं आ पा रहा होगा पर हाथ में पकड़ने पर ही पता पड़ रहा है कि कितना यूज़ है। और मात्र 35 रुपये की है ये। 35 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्थ है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी लस्सी, इतने बड़े कुल्लड़ में जो लस्सी आप पी रहे हो वो 35 रुपये की कहीं मिलेगी आपको। और गाढ़ापन देखिए लस्सी का। तो चलिए टेस्ट करता हूँ और बता दूँ कैसा स्वाद है इसका। एज़ यूजुअल आपने देखा होगा नॉर्मल जैसे दही और दूध का रहता है सेम वही है, पर टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। भाई मज़ा आ गया सच में, लस्सी काफ़ी बढ़िया टेस्टी है। और जो लस्सी की जो मिठास है नॉर्मल है, ना ज़्यादा मीठी है ना ही ज़्यादा फीकी है, नॉर्मल एकदम बढ़िया। और गाढ़ापन भी काफ़ी अच्छा है। मुझे रघुवीर हलवाई की लस्सी पी के तो मज़ा आ गया। अगर आपको भी मेरी वीडियो देख के मज़ा आ गया तो भाई इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ढेर सारे कमेंट कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जो लस्सी के दीवाने हो, गर्मी में पीना चाहते हो लस्सी, तो आ जाओ रघुवीर हलवाई। और ये है सदर बाज़ार आगरा में, ऑन रोड पर है, आपको अलग दिख जाएगी। और काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ। केवल दो या तीन चीज़ मिलती है, पेड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है और कौन सी मिठाई रहती है भैया? और एक कलाकंद। तीन चीज़ मिलती है और तीनों ही उम्दा हैं। अभी हमने लस्सी ट्राई की है, अभी इनका कलाकंद और पेड़ा ट्राई करते हैं। गाइस ये आ गया इनका पेड़ा खोए का। कितने रुपए किलो अभी ये? 350। तो चलिए गाइस टेस्ट करते हैं इस पेड़े को। काफ़ी बढ़िया है गाइस, काफ़ी बढ़िया है और मिठास भी ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं है, काफ़ी उम्दा, काफ़ी बढ़िया। चलिए भाई मैं इसे जल्दी से करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।